था कि अगर जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रगल करते करते अगर एक अच्छा दोस्त मिल जाए आपको, तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। He founded a good friend in the form of Mustafa. Okay. And Mustafa was a soldier in Ottoman army. उसके बाद ऑटोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी नौकरी चली जाती है, तो वो मिलता है जैनुद्दीन से, एंड दे हैव कैप्चर्ड दिस काबुल एरिया। ठीक, अब घर नहीं है तो कहीं तो ठिकाना रखना पड़ेगा, तो उसने कैप्चर कर लिया काबुल। ठीक, और सहबानी खान इनको पुश करते करते जा रहा है, तो इधर आ ही नहीं सकते। इसका एम क्या है? टू गेट बैक फरगाना, जो उसका उसका होमलैंड है। ठीक, बट इसी टाइम इसको इंडिया से दो चिट्ठी लिखी जाती है, एक लाहौर में आलम खान लोधी के द्वारा और एक चिट्ठी बिहार से दौलत खान लोधी के द्वारा। ठीक है, DKL और AKL बोलते हैं कि बाबर देखो, क्योंकि ये क्या होता है, कमांडर होता है, ही वॉज नॉट अ किंग, ही वॉज दी कमांडर, या फिर यू बोल सकते हैं ही वॉज दी मिलिट्री जनरल, क्योंकि इसके आर्मी का कोई कमांडर नहीं था, ये खुद ही अपनी आर्मी को कमांड करता था, ये उसकी कमांडर ऑफ हिज ओन आर्मी थी। तो यहाँ पे इसको चिट्ठी लेके आती, बोले कि देखो इधर आओ, उधर क्या घास वास खा रहे हो, दिल्ली में आओ, और दिल्ली में वेल्थ ही वेल्थ, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई गरीब आदमी राजा तो है नहीं, कमांडर आएगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा, तहस नहस मचाएगा, वी विल सीक द अपॉर्चुनिटी, और हम अपॉर्चुनिटी को देखते ही क्या करेंगे, गद्दी पे बैठ जाएंगे। इसने कहा इन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करते, क्योंकि ये लोग कौन है, अफगान, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, दे बोथ आर अफगानी पीपल। ठीक, और ये जो काबुल से इंसान है, ये क्या है, ये आपका मंगोल है, वैसे है तो हाइब्रिड बट मंगोल ही मानते हैं इसको, और मंगोल और अफगान कभी दोस्त नहीं हो सकते, इनके बीच में कट्टर दुश्मनी, तो इनकी बात पे यकीन नहीं रख करता। लेकिन यहां से एक चिट्ठी और जाती है, और वो चिट्ठी बोलती है राणा सांगा की, हु हैज इनवाइटेड बाबर टू फाइट अगेंस्ट इब्राहिम लोधी। राणा सांगा को पता था जीत नहीं पाएगा वो, लेकिन राणा सांगा की जो पॉलिटिक्स थी वो ये थी कि इब्राहिम लोधी बाहर निकलेगा लड़ने जाएगा, ये लोग आपस में लड़ेंगे, हम लोग पीछे से जाके कैपिटल चुरा लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता, इतिहास कुछ और ही मंजूर होता है, हिस्ट्री इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, जो नहीं सोचा वही हो जाता। उसने कहा कि ये जो अफगान है इनकी बात पे तो नहीं, लेकिन राणा सांगा राजपूत है, राजपूत अपने शब्द पे रहते हैं। राणा सांगा ने ये भी लिखा था कि आई विल सपोर्ट यू अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, क्यों, क्योंकि बाबर के पास इतनी सेना नहीं है, 20-22 हजार की सैनिक है उनके पास, और राणा सांगा ने कहा भाई 50-60 हजार मेरे पास है, आ जाओ दोनों मिलकर मार देंगे उसको। बाबर ने कहा ठीक आ जाता हूँ, उसको आने में काफी समय लगता, 5-6 महीने लगते, ठीक है, लेकिन आया जरूर हूं, क्यों, इसको उसको चाहिए वेल्थ, वेल्थ चाहिए, तो देखो बैटल ऑफ पानीपत, बस कौन सा ऑटोमन एम्पायर, यू वर अ सोल्जर ऑफ ऑटोमन एम्पायर, वो बाबर के लिए था, मिक्स ब्लड है वो, बट हम मानते उसको मंगोल ही है, बिकॉज फ्रॉम फादर साइड, फ्रॉम मदर साइड ही वाज मंगोल, इसलिए उसको मंगोल ही मानते, इसलिए इनकी डायनेस्टी को भी मंगोलियन डायनेस्टी ही बोला जाता है, यहाँ पे आके वो चेंज हो गए, मुगल हो गए। ठीक है, तो देखिए इतिहास के पटल पर ये पानीपत का मैदान लग नहीं रहा, लेकिन मान लो
पहले तो ये बताओ, इधर सबको मालूम है, इधर है बाबर और इधर है इब्राहिम लोदी, क्या राणा सांगा ने सपोर्ट किया था इब्राहिम लोदी को, इसको बाबर को? यस भी बोल रहे, नो भी बोल रहे, एक के रखो, बताओ भाई। नहीं किया था? देखा, राजपूत लोग भी झूठ बोलते हैं, झूठे होते हैं। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ये लोग भी झूठे होते हैं। राणा सांगा ने कभी सपोर्ट नहीं किया बाबर, ठीक है? तो बाबर को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा ठीक है हमारा समय खराब है, क्या करें। तो बाबर आ गया बेचारा, ठीक, 20,000 की सेना लेके, इधर 1.5 लाख सोल्जर्स, और पानीपत का मैदान चुना गया। क्यों? क्योंकि क्या है कि पानीपत इस द गेटवे टू दिल्ली। अभी भी जाएंगे पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, जैसे सोनीपत शुरू होता है दिल्ली शुरू हो जाती है, ठीक है? तो गेटवे है, और अगर आपने उसको बाहर नहीं रोका तो ऑब्वियसली आपकी कैपिटल का नुकसान होगा, ठीक है? तो इसलिए पानीपत बहुत ही फेवरेबल जगह है उधर के लिए भी और इधर से जाने वालों के लिए भी। प्लस जो भी आउटसाइडर होगा ही विल ऑलवेज चूज पानीपत ग्राउंड, क्यों? क्योंकि उधर से आने पे वो क्या है, ऊंचाई पे, तो वहां से अटैक करना आसान होता है, ठीक? क्योंकि उधर की जो सेना है उसको क्या करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, और जो उधर वाले बाहर से आ रहे हैं उनके लिए वो क्या है, लोअर टेरेन। अगर अच्छे घोड़े हैं तो हम हमेशा पानीपत की चूज करेंगे, जबकि बाहर से आ रहे हैं, अंदर वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। इतिहास को डिफेंड दिल्ली, तो उसको भी कहाँ जाना पड़ेगा, पानीपत ही जाना पड़ेगा, ठीक? तो बस फिर क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताओ बाबर क्यों जीता? पता तो सभी को बाबर ही जीता, लेकिन कैसे जीत गया मुझे पता है, फिर तुम ही बताओ। प्रोसेस, प्रोसेस की वजह से। हाँ, और चीप और चीप के बात करते, नहीं चीप के नहीं करते, क्या इंडिया में पहली बार गन पाउडर यूज हो रहा है? उधर तुम लोग का ना जो चल रहा है ना गुंडों, तो इंडिया में पहली बार गन पाउडर यूज हुआ है, इसके पहले नहीं हुआ कभी, इसके पहले हो चुका है, कहीं नोट बना के लिख लो। गन पाउडर वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय विजयनगर एंड बेंगोली किंगडम, बाय विजयनगर एंड बेंगोली किंगडम, बट एट सच अ ग्रेट लेवल इट वॉज यूज इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एट सच अ ग्रेट लेवल इट वॉज यूज इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कभी पूछा जाए कि गन पाउडर किसने कॉमन किया, बाबर, ठीक है, इसके पहले कॉमन नहीं था। और गन पाउडर कहां से आया है, तो चाइना, 6th सेंचुरी BC से चाइना में गन पाउडर पाया जाता है, ठीक है? तो देखिए ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो टेक्निक है वो ये है कि इब्राहिम लोदी की सेना इधर है, ये घुड़सवार हो गए, नहीं ये पैदल सैनिक हो गए, ये पैदल सैनिक हो गए, ठीक है? यहां आपकी कैवलरी होगी, और राजा जो है, किंग जो है, वो हमेशा पीछे रहता है, क्यों? क्योंकि डिफेंडिंग पर्सन, डिफेंडिंग किंग हमेशा पीछे रहेगा। किंग हम कब, चाहे डिफेंडिंग हो चाहे ऑफेंसिव हो, हमेशा किंग पीछे रखा जाता है, क्यों? क्योंकि किंग अगर गया तो फिर आर्मी को मतलब नहीं है ना। राजा ही अगर मार दिया गया, मान लो यहाँ आके खड़ा हो गया, उधर से किसी ने तीर मार दिया, खत्म काम।
राजा का तो रुआ का मतलब ही नहीं रहेगा कुछ। लीड कौन करता है? कमांडर। आर्मी जो कमांडर होगा मीर बख्शी वो लीड करेगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इब्राहिम लोदी आर्मी। और इधर लाइन से लगाए गए हैं क्या? एलिफेंट्स। और इधर जो आप देख रहे हैं सैनिक 20,000, ये 20,000 में से कम हो जाते हैं। अंत में इसके पास 12,000 सैनिक ही बचते हैं, 8,000 कहाँ गए? 8,000 को इब्राहिम, कुछ लोग को इब्राहिम लोदी ने पहले ही मार दिया, क्योंकि इनकी आर्मी बहुत पहले से आज आके पानीपत में टेंट लगाकर बैठ जाती है। दिवाली वाले दिन इब्राहिम लोदी ने क्या किया? बोले आओ बाबर को दिवाली दिखाता। तो जो फायर एरोज होते हैं उनको क्या है, टेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता। तो आधे से ज्यादा सैनिक, मतलब 1,000-2,000 सैनिक जो है वो जल जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ जल के मर जाते हैं। ठीक, क्योंकि पानीपत के पास नजदीक में कोई नदी नहीं है, दूर है लेकिन दूर है, 7 कोस 8 कोस दूर है। ठीक है, और बाकी जो बचते हैं वो बाबर को बोलते हैं कि देखो ये जंग आसान नहीं है, राणा सांगा ने बोला था आपको सपोर्ट करेगा, राणा सांगा आया नहीं, चलो वापस चलते हैं, इब्राहिम लोदी से जीतना मुश्किल है, अगर इतना ही आसान होता तो राणा सांगा खुद ही नहीं जीत लेता। तो सोल्जर्स ने कहा हम नहीं जा रहे, बाबर जा रहे हैं। बाबर ने कहा नहीं, अब आ गए हैं तो पीठ दिखा के नहीं जाएंगे, ये तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी ना उन लोगों की जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस आग में। बोले मैं तो लड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक, और उसका तो मुस्तफा भी उसके साथ होता है। इनका फॉर्मेशन और देख लेता है, इनका फॉर्मेशन है, ये छोटी सी आर्मी इधर खड़ी है और इधर कमांडर है इनका बाबर। ठीक है, एक घुड़सवार लोग इधर है, इधर भी घुड़सवार लोग। ठीक, सबके पास घोड़े हैं। और यहां एक पतली सी, ऐसा बोला जाता है कितने दिन से आ गया घास छील रहा है, चलो फिर युद्ध करवा देते हैं। युद्ध में क्या होता है, जैसे ही वॉर होने वाला होता है वैसे ही ड्रम बीट किया जाता है, ड्रम बजाया जाता है, ताकि सेना को और जो आपके वो है उनको उत्साहित, वॉर क्राई जिसे कहते हैं। जब जंग होती है तो एक वॉर क्राई दिया जाता है, जैसे इंडिया का वॉर क्राई कुछ भी हो सकता है, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, दिल मांगे हो, कुछ भी, जिससे सोल्जर्स को जोश आए। तो बस फिर क्या था, इधर से आक्रमण बोल दिया जाता है और एलिफेंट लाइन से लगे हुए हैं, इधर से सैनिक जो है इनके आगे बढ़ते रहते हैं, बाबर उनको रोक कर रहता है, नहीं तुमको नहीं जाना है। इनकी आर्मी खड़ी है और ये आर्मी बढ़ते 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 अचानक से ये होता है कि पूरी जो फर्स्ट फ्लैंक है सोल्जर्स का वो सब यहाँ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो बनाया हुआ था ये थी सुरंग, इसके ऊपर लगाए गए थे क्या, फूल पत्ते, झाड़ी वाड़ी, और उसके ऊपर से रखा गया था फूल। ये लोग आए और उसमें गिर गए। बाबर ने कहा आओ, कुछ लोग सामने आए बड़े बड़े कंटेनर में तेल लेके, और तेल डाल दिया सबके ऊपर और लगा दी आग। देख रहे हो अब यहां लग गई आग, आग ही आग के चारों तरफ। तो हाथी इधर आएगा कि उधर जाएगा, बस जो आपका मजबूती है वही आपकी क्या बन गई, कमजोरी। ठीक, अब इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी है। इनके पास क्या है, कैनन्स है, कैनन 1, कैनन 2, 3, 4, 5, 6, 7 लगा दिए। अब उधर से आग जल रही है, लोग जल रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, और इधर से कैनन्स छोड़े जा रहे हैं गोले। और साउंड और फायर ये दो दुश्मन होते हैं जानवरों के, तो जो हाथी इधर आना चाहिए था इस तरफ वो उधर जा रहा है, उसी की सेना को मार रहा है। ठीक, और ये लोग चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं कि अब कहां से जाएं, इधर तो आग चल रही है। जब तक ये लोग देख रहे होते हैं तब तक दोनों तरफ से इनकी सेना जो है पहुंचाती है, इनको घेर लेती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, इतने पे भी नहीं जीतेंगे, फॉर्मेशन, जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैंक फॉर्मेशन। अब फ्लैंक फॉर्मेशन क्या होता है,
जब भी आर्मी लड़ने जाएगी तो ऐसे चार ग्रुप होते हैं, कॉलेज जिसे कहते हैं हम लोग, क्योंकि जब कोई एनसीसी में है, अगर कोई नहीं एनसीसी में तो लोग क्या करते हो, एनसीसी में हुआ तो इनको जब फॉलिंग जानते हो क्या होता है, हाँ इसको बता चलो कोई एक तो समझेगा, फॉलिंग होता है कि आपको एक फॉर्मेशन में खड़े होना है, ठीक है, वो फॉर्मेशन 3x3 का हो सकता है, 3x4 का भी हो सकता है, ठीक है, तो आर्मी जो है इस तरीके से खड़ी होती है, तो क्या है कि फर्स्ट लाइन जो होगी वो डिफेंस होगी, इसमें फ्लैंक फॉर्मेशन, उसके पास क्या होगा फ्लैंक होंगे, वो क्या पुट करेंगे डिफेंस, सेकेंड लाइन जो होगी वो अटैकिंग लाइन होगी, ठीक, उसके पास क्या होंगे स्पीयर्स, और जो थर्ड लाइन होगी वो आर्चर्स की होगी, तो यहाँ पे फ्लैंक फॉर्मेशन में तीन तरह की चीजें होगी, पहला डिफेंस, दूसरा स्पीयर्स और तलवार, और तीसरा आर्चर्स, आर्चर्स पीछे से तीर तूफान चला सकते हैं, आधे से ज्यादा सैनिक खत्म, और सामने डिफेंस लगा हुआ है, सामने अगर डिफेंस होगा तो ऑब्वियसली उसके जो सोल्जर्स हैं आ नहीं सकते, और आप क्या कर सकते हैं स्पीयर्स काफी बड़े होते हैं तो आप स्पीयर्स डाल दो खत्म का, तो आधे से ज्यादा इनके सैनिक जो इधर हैं वो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे, इतना ही, इस बैटल में सिर्फ 10,000 सैनिक उतरते हैं, 2,000 12,000 में से 10,000 2,000 गायब है ही नहीं, और इतने में भी क्या है कि ये जीत नहीं पाते हैं, मुश्किल है, ठीक, तो चाहे 3-4 दिन वो लोग इसी फॉर्मेशन में लड़ाई करते हैं, छठे सातवें दिन क्या होता है कि इब्राहिम लोदी भी समझ चुका है अभी अब क्या करना है, बार बार थोड़े आग लगा पाएंगे ये लोग, अब इनकी सेना भी इधर से आ रही क्योंकि ये थोड़ा इकट्ठा, ठीक, तो ये इधर से आ रहे हैं इधर से आ रहे हैं, 7th-8th डे क्या होता है कि जो 2,000 सैनिक नहीं थे आज वो वहां पहुंच गए, ठीक, ये मिडल लाइन जो है ये मजबूत हो जाती है, ठीक, एंड बाबर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ठीक, ये 2,000 वो सैनिक हैं जो बहुत पावरफुल है और जिनके पास बेस्ट हॉर्सेस अरेबिया से मंगाए हुए, ठीक है, हॉर्स पावर वाली 746, बोले चलो ये लोग इधर से आ रहे हैं, अब इस दिन क्या हो रहा है अंडर द कमांड ऑफ बाबर ये लोग सामने से जा रहे हैं, इधर वाले इधर, और ये सामने से जा रहे हैं, डिफेंस ब्रेक हो गया, राजा खतरे में है, बाबर पहुंच गए और ये लोग इतने तेज हैं, हॉर्सेस हैं, प्लस इनके पास आयरन स्टिरप्स हैं, तो आयरन स्टिरप्स की वजह से क्या है दे कैन यूज बोथ ऑफ देयर हैंड्स, दोनों तरफ आंधी की तरफ जा रहे हैं तूफान की तरफ वापस चले आ रहे हैं, जब तक इसको समझ में आ रहा है तब तक उनके सैनिक गिरे हुए हैं, ठीक, और ये उसके बाद बोलता है इब्राहिम लोदी कि तुम वहां हाथी के ऊपर बैठे हुए, मैं यहाँ आ गया लड़ाई करने, अपने सैनिकों को क्या हो दिखाओगे कि तुम क्या हो कायर, नीचे आओ लड़ाई करो, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक, क्यों, क्योंकि इसको वॉर का एक्सपीरियंस तो है नहीं ना, और वो जो उधर वाला कमांडर है वो वॉर करके ही आगे बढ़ा, बस वो नीचे आया इसने उसकी गर्दन पकड़ी और खरगोश की तरह मरोड़ दी, कदम का जीत गए। अब वो जो वहां पे डिस्कशन चल रहा था कि 20,000 सोल्जर्स में से 12,000 प्रश्न चले जाते हैं, तो वो मोमेंट जो है वो सबके लाइफ में आता है, अकेले बाबर के लाइफ में नहीं आता, सबके लाइफ में आता है, ठीक है, बाबर के यहाँ पे डायलॉग ये है कि जब उसको बोला जाता है कि चलो इतने सारे सैनिक जो है हमारे मारे गए हम लोग नहीं जीत पाएंगे, बाबर बोलता है क्या मैं नहीं चाहूंगा, क्यों, क्योंकि इतने सारे लोग सुनाए थे मेरे पड़ोस में, अगर मैं चला गया तो जीवन पर लोग कर्जदार ना हो, बोले सब कुछ जीत सकते हैं लोग, भले संग्राम सिंह नहीं आया, इब्राहिम लोदी ने हमारे सैनिकों को जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे इंग्लिश को, लेकिन मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से इस जिंदगी ने जैसे कुछ ना कुछ छीना ही है, पहले मैं 8-9 साल का था उसके बाद
उसके बाद मेरी माँ चली गई। काबुल में पहुंचे तो काबुल पहुंचने से पहले कई सारी जगहों पर मैंने धक्के खाए, तब जाके काबुल मिला। काबुल से आने के बाद जब यहाँ आए तो यहाँ पे मुस्तफा भी चला गया, मुस्तफा की भी डेथ हो गई। तो अभी तक जिंदगी में सब कुछ ही ना ही है, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि वो अदब के साहस और वो उम्मीद जो मेरे पास है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ना कोई इब्राहिम लोधी छीन सकता है, ना वो संग्राम से छीन सकता है, और ना ही दुनिया की कोई ताकत वो इससे छीन सकती है। और अगर उस दर्द के सारे मुझे अकेले भी लड़ना पड़े तो आए अकबरे भी होता है लाइक अ सोल्जर ऑन द बैटल फील्ड रादर इन अ वापस जाओ। तो ये चीज आपको जीवन में याद रखनी है, बाबर को हमेशा याद रखना है, और किसी चीज के लिए याद रखो ना रखो इस चीज के लिए हमेशा याद रखिएगा। जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो सिर्फ उम्मीद बचती है, और उम्मीद के सहारे बड़ी बड़ी जंग जो है वो जीत भी जाती है, दिमाग भी जीत। तो आप भी जंग में है, पानीपत का युद्ध नहीं है, ये युद्ध ही सीख रहे हैं। और इस बैटल फील्ड में भी आपको कई सारी ऐसी रातें मिलेंगी जहां आप एक कमरे में बैठे होंगे और कमरे में सिर्फ दो आवाज जा रही होंगी, एक आपके रोने की दूसरी खड़ी की टिप्पणी कर रही। वो मोमेंट भी बहुत गंभीर होगा, तो उसे याद रखिए इसको। वो दम में साहस और वो उम्मीद अगर वो कायम है आपके अंदर तो आप कोई बैटल जीत सकते हैं। माँ बाप भाई दोस्त रिश्तेदार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी कोई साथ नहीं देगा। कभी कभी लाइफ ऐसा भी होगा जो यहाँ पे लोग हमारे साथ होगा और आपके साथ सिर्फ आपकी उम्मीद रहेगी। और नेवर बी होपलेस, और किसी से किसी की मौत छीनो मत। अगर किसी के पास कोई होप है तो उसे छीनो मत, उसको होपलेस मत करो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। समझ गए? अरे हाँ या ना? हाँ बोलो। और ये जो लड़ाई है तो अगर यहाँ से बाबर चला जाता तो बाबर को कभी नहीं मार पाता, लेकिन इसके बाद एक थ्रेशोल्ड होता है लाइफ में। अगर वो थ्रेशोल्ड आपने पा लिया, उस थ्रेशोल्ड पे मैंने आपको बहुत कठिनाई थी, हो